हेलो दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इंटरनेशनल अफेयर्स में। एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एक 10 सवालों की एक सीरीज चलाई गई है, जिसके अंतर्गत यह तीसरा वीडियो है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। एकता और अनुशासन किस सुरक्षा दल का आदर्श वाक्य है? एनसीसी, एसएसबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ। इस सवाल का सही जवाब है एनसीसी। एनसीसी का आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। चलिए दोस्तों, बाकी के ऑप्शंस पे नज़र डाल लेते हैं। एनसीसी की स्थापना 1948 में की गई थी, एसएसबी की स्थापना 1963 में की गई थी, सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में की गई थी और बीएसएफ की स्थापना 1965 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। युद्ध अभ्यास नामक मिलिट्री एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच की जाती है? आपके ऑप्शंस रहे भारत और ब्रिटेन, भारत और अमेरिका, भारत और नेपाल, भारत और रूस। इस सवाल का सही जवाब है भारत और अमेरिका। युद्ध अभ्यास नामक मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच की जाती है। चलिए दोस्तों, बाकी के ऑप्शंस पे नज़र डाल लेते हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच अजय वारियर नामक युद्ध अभ्यास की जाती है। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है और भारत और रूस के बीच इंदिरा नामक युद्ध अभ्यास की जाती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। हरी सोना क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? आपके ऑप्शंस रहे भिंडी, बांस उत्पादन, जैविक खेती का उत्पादन और जूट उत्पादन। इस सवाल का सही जवाब है बांस उत्पादन। बांस उत्पादन से संबंधित है हरी सोना क्रांति। चलिए दोस्तों, बाकी के ऑप्शंस पे नज़र डाल लेते हैं। भिंडी उत्पादन, भिंडी उत्पादन से संबंधित क्रांति का नाम है परामनी क्रांति। जैविक खेती का उत्पादन से संबंधित क्रांति का नाम है सदाबहार क्रांति और जूट उत्पादन के क्रांति से संबंधित क्रांति है सुनहरी क्रांति। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। जैतून की कृषि क्या कहलाती है? आपके ऑप्शंस रहे ओलिवी कल्चर, ओलेरी कल्चर, फ्लोरी कल्चर, मोरी कल्चर। इस सवाल का सही जवाब है ओलिवी कल्चर। जैतून की कृषि ओलिवी कल्चर कहलाती है। चलिए दोस्तों, बाकी के ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं। ओलेरी कल्चर या सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है, फ्लोरी कल्चर या फूलों के उत्पादन से संबंधित है, मोरी कल्चर या रेशम उत्पादन करने वाले कीटों के लिए शहतूत की खेती से संबंधित है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। जया, साकेत, कावेरी और रत्ना किस फसल की प्रमुख किस्में हैं? चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार। इस सवाल का सही जवाब है चावल। जया, साकेत, कावेरी और रत्ना चावल की प्रमुख किस्में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। सतकोसिया गोर्ज वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शंस रहे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। इस सवाल का सही जवाब है उड़ीसा। सतकोसिया गोर्ज वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है। चलिए दोस्तों, बाकी के ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं। छत्तीसगढ़ में अचान कमार नामक वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। पश्चिम बंगाल में चपरामारी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है और मिजोरम में दम्पा नामक वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत कौन से दो रामसार साइट है जो इस सूची में आते हैं? आपके सवाल ऑप्शंस रहे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, लोकटक झील, इनमें से कोई नहीं या ए और बी संयुक्त रूप से। इस सवाल का सही जवाब है ए और बी संयुक्त रूप से। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत केवलादेव और लोकटक झील ऐसे रामसर साइट है जिनमें नकारात्मक प्रभाव देखा जा रहा है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन सा वाक्य आईएमएफ के संदर्भ में सही नहीं है?
इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। भारत इसका संस्थापक देश नहीं था। IMF केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। IMF द्वारा जारी मुद्रा STR को पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। इस सवाल का सही जवाब है भारत इसका संस्थापक देश नहीं था, यह ऑप्शन गलत है। IMF के संदर्भ में सही चीज़ें हैं, इसकी स्थापना 1945 में की गई थी, भारत इसका संस्थापक देश था, IMF केवल सदस्य देशों को ही ऋण देता है, IMF द्वारा जारी मुद्रा STR को पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। STR की फुल फॉर्म हो जाएगी स्पेशल ड्राइंग राइट्स। STR के अंतर्गत 5 मुद्रा शामिल की गई है, जिसके अंतर्गत US डॉलर, यूरो, चाइनीस रेनमिनबी, जापानी येन, ब्रिटिश पौंड स्टर्लिंग आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। इनमें से कौन विश्व बैंक के बारे में सही नहीं है? आपके ऑप्शंस रहे, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी, विश्व बैंक की सदस्यता के लिए IMF की सदस्यता अनिवार्य है, विश्व बैंक समूह 5 बैंकों का समूह है। इस सवाल का सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। आपके दिए हुए सारे ऑप्शन सही है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी, सही है। विश्व बैंक के सदस्य के लिए IMF की सदस्यता अनिवार्य है, सही है। विश्व बैंक समूह 5 बैंकों का समूह है, सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? आपके ऑप्शंस रहे विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या यूनेस्को। इस सवाल का सही जवाब है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट प्रकाशित करता है। चलिए दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो।